भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में शहर की यातायात व्यवस्था को देखते हुए पुलिस कंट्रोल रूम में मीटिंग बुलाई गई, जिसमें आरटीओ अनुराग शुक्ला, सीएसपी निशा रेड्डी, ट्रैफिक प्रभारी रंजीत सिकरवार ने टमटम में ऑटो चालक के साथ मीटिंग बुलाई। स्पीच पत्रिका भी मौजूद रहे, जिसमें शहर की यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सख्त निर्देश दिए गए, जिसमें 5 रूट चुने गए। उन्हीं रूटों को क्रमबद्ध तरीके से चलने का टमटम चालकों को पालन करना होगा, साथ ही ट्रैफिक पुलिस के नियमों का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही गई। आए दिन शहर में जाम जैसी स्थिति से निपटने के लिए एसपी के निर्देश पर भिंड पुलिस एवं ट्रैफिक ने नए नियम तैयार किए हैं। और बिना वैध कागज के बीमा, रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन ना चलाए जाएं, और अगर इन 5 रूटों पे अगर आपको ये लगता है कि फला फला आदमी की गाड़ी बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही है, तो आप मुझे कार्यालय में लिखित या फिर आप ट्रैफिक के हिसाब को सूचित कर दें, तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे। हमारे यहाँ एक पुलिस अधीक्षक महोदय भिंड के इस पर निर्देश हुए थे कि शहर की यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कार्रवाई भी करना है, और जो शहर में चल रहे हैं, जो टमटम चल रही, ई रिक्शा और ऑटो वालों की बैठक ली जाए और उन्हें निर्देशित किए जाए, समझाई दी जाए कि यातायात व्यवस्था को किस प्रकार से सुचारू रूप से चलाया जाए। इस संबंध में इन लोगों की बैठक ली गई और उन्हें समझाइश दिया गया कि बगैर वाहन के, बगैर लाइसेंस के आप ये टमटम नहीं चलाएंगे, रिक्शा नहीं चलाएंगे। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर ऑलरेडी जो रूट निर्धारित किए जा चुके हैं आरटीओ के द्वारा, ट्रैफिक के द्वारा मिलके जो रूट निर्धारित किए गए हैं, उसी रूट पर चलने के लिए उन्हें समझाइश दी गई कि अपने अपने रूट पर चलें। इसके अतिरिक्त शराब पी के वाहन न चलाएं, अच्छा व्यवहार भी करें। इसके अतिरिक्त शहर की यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर है, मतलब उनके कारण से काफ़ी हौचपोच हो जाता है, जो कि काफ़ी भद्दा नज़र आता है। इसलिए उन्हें आज अच्छी तरीके से समझाइश दी गई, उनकी कुछ समस्याएं थी वो भी सुना गया, और कुछ ऐसी समस्याएँ जिनको आरटीओ साहब और हम लोग सब मिल के श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आगे उन समस्याओं का समाधान भी हम करेंगे।